आजाद उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके कॉमेडियन जयप्रकाश उर्फ टीटू बानिया ने आज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र दाखा में ऑटो के ऊपर बैठकर पूरे बाजार में घूमकर इलाके के विधायक को ढूंढने की कोशिश की और इस प्रकार उन्होंने विधानसभा स्पीकर और एचएस फुल्का के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एचएस फुल्का दाखा विधानसभा क्षेत्र से अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को सौंप चुके हैं, मगर विधानसभा के स्पीकर ने अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि दाखा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो। अगर यहाँ उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। साडा ही कारण है जी कि जो सा हल्का दाखा वा तो असी अतीम हो चुके हैं एम एल ए साहब तो बिना। असी जंग जितनी है असी तलवार तो बिना अतीम होए, असी एम एल ए साहब तो बिना। असी स्पीकर विधानसभा स्पीकर बेनती करते हैं कि तुम रब रूपी हो, तो एक बड़ी कुर्सी मिली है भी तुम साढ़े नाल इंसाफ करो और इस्तीफा मंजूर करो जो फुल्का साहब साढ़े हल्के दाखे से भेजो, क्योंकि समस्यावान दिनों दिन बढ़ रही हैं।